Hello students, welcome back to Brilliant Education channel. Here we aim to teach and reach at least 1 million population. Now, आज हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में. एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं. एग्जाम्स पोस्टपोन होने से कुछ बच्चे तो बहुत टेंशन में हैं और कुछ बच्चे स्पेशली खुशी मना रहे हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके का टेंशन मत लीजिए. आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए और अपने मार्क्स बढ़ाइए. आज मैं आपको यही बताने यहाँ आया हूँ कि आप स्मार्टली स्टडी करके अभी भी कितना मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो. मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा. एक तो कैसे प्रैक्टिकल्स में आपको मार्क्स मिलने वाला है, दूसरा आपको कैसे थियोरी में बहुत इजी मार्क्स मिल सकता है. अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो थियोरी प्रैक्टिकल मिला के आपके पास 100 मार्क्स का टोटल पेपर है. टोटल थियोरी एंड प्रैक्टिकल 100 मार्क्स. अब इसमें से थियोरी तो आप खुद लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल आप ही के कॉलेज में होगा, आप ही के टीचर के प्रेजेंस में होगा. इसका मतलब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं प्रैक्टिकल में. प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा और आप मिनिमम मान के चलिए आपको 20 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है. ऑब्वियसली इसके ऊपर ही आप लेके आएंगे मार्क्स, बट दिमाग में एक बात फिट करके रखिए, 20 मार्क्स आपके हाथ में है फ्रॉम प्रैक्टिकल साइड. तो इतना तो आपको बहुत ईजी मिलेगा. बहुत टफ प्रैक्टिकल पेपर है नहीं, उसमें भी डिलीशन हुआ है, बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे आपको. फिर आते हैं हम थियोरी टॉपिक पे. अब मैं पूरी थियोरी हर एक 15 चैप्टर्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको. आपको मैं उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जो या तो बहुत ही इजी है या तो उनमें इतना ज्यादा डिलीशन हो चुका है कि वो आपको इजी इजी मार्क्स दे देंगे. सबसे पहला चैप्टर जिसमें बहुत अच्छा डिलीशन हुआ है और जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा वो है चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. दो सब टॉपिक्स इस चैप्टर में से पढ़ के जाएंगे और 4 मार्क्स आपके हाथ में आएंगे. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है. देन इसके बाद और एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन. चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, 3 सब टॉपिक के साथ 5 मार्क्स आपके हाथ में. 5 मार्क्स एंड चैप्टर इज रियली वेरी इजी. इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास है चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, अगेन विद 5 मार्क्स. ये जो 3 चैप्टर का कलेक्शन है ना हमारे पास, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, तीनों बहुत इजी है और ये तीनों चैप्टर 5 आवर्स में कंप्लीट होते हैं. नया कोई पढ़ने बैठे तो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, इतना इजी चैप्टर है. और ये तीनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स आपके हाथ में. तो चैप्टर 5, 6 एंड 7 करिए, बहुत इजी चैप्टर, 5 घंटे का टाइम के साथ यू विल बी एबल टू राइट 14 मार्क्स. तो विदाउट ऑप्शन आपको 14 मार्क्स लिखने मिल सकता है स्मार्ट लर्निंग करके. फिर उसके बाद है आपके पास एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. अब ये जो स्पेशल चैप्टर है ये 4 मार्क्स के लिए है. इसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर में स्पेशली नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल्स, और आपके हाथ में 4 मार्क्स ईजिली पहुंचेगा. इसके बाद यू हैव अ चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 13. कोई डिलीशन नहीं, लेकिन सिंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो 3 मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस है. एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एक चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. अब इस चैप्टर में डिलीशन है, चैप्टर बहुत ईजी है, 3 मार्क्स पूरा मिल सकता है. उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इश्यूज, 3 मार्क्स के साथ, बहुत ही इजी. तो ये जो पूरा चैप्टर्स का कलेक्शन है इसमें से आपको
कितना मार्क्स मिल सकता है इसको थोड़ा काउंट करते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये मिला के आपको 27 मार्क्स विदाउट ऑप्शन 27 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें से मिनिमम तो 20 मार्क्स आप निकालोगे, मतलब 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स इन चैप्टर में से 20 मार्क्स मिलने वाला है, तो 40 मार्क्स तो स्मार्ट लर्निंग करके आपके हाथ में। और अभी तक हमने बाकी चैप्टर्स की बात नहीं की, जैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिर बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स, इन सारे चैप्टर्स का हमने बात नहीं किया है, और उनके पास तो बहुत ही सारे मार्क्स हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 मार्क्स के साथ, तो इन चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो स्मार्ट लर्न करके मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको मिल ही रहा है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से, 20 मार्क्स स्मार्ट लर्निंग सिलेक्टेड चैप्टर, 20 मार्क्स आपके, 20+20 40, तो स्मार्ट लर्निंग करके 40 मार्क्स लाएंगे, और बाकी सब चैप्टर्स में से भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा, तो आप ओवरऑल मान के चलिए 60-65+ मार्क्स तो आप बहुत ही इजीली ला सकते हो, 40 यहाँ से, बाकी सब चैप्टर्स में से भी इजी इजी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो भी 60-60+, और थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर लिया यू कैन गो अप टिल 90। आई होप इस वीडियो के बाद आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और बहुत सारे मार्क्स लेके आएंगे। टेंशन नहीं लेना, मार्क्स बहुत आने वाले हैं, स्मार्टली लर्न करो। बाय एवरीवन।